नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। नगर निकाय प्रथम चरण चुनाव का जैसे जैसे समय नजदीक आता है, सभी दल और पार्टियों का प्रचार जनसंपर्क तेज होता जा रहा है और खागा नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी पार्टी से भी है तो 30 साल से भाजपा पार्टी की सेवा और अनुशासन में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन खागा नगर पंचायत ओबीसी होने के बाद रीट दहीकर फिर सामान्य सीट होने पर ओबीसी को पंगू समझने वाले लोगों को ओबीसी ने वर्ग में नाराजगी देखने को मिली। आप लोगों को बताते चले कि इस बार वैश्य सर्व समाज के लोगों को दोधारी आरी चलाते देखा गया। वहीं वैश्य समाज से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अच्छा सर्व समाज का सहयोग मिलता देख और कहीं ना कहीं हारने का डर सताने और खरीद फरोश का पैतरा तेज होता नजर आ रहा है। और उसी कड़ी में शोभा अग्रवाल कार्यालय के मंच से दहाड़ लगाने वाले दूसरे खेमे में जाकर दूसरा अंग वस्त्र धारण कर लिया। आज इस बात को लेकर सभी ग्रुप और समाज में चर्चा का विषय बना हुआ है और अगर कोई सही ईमानदारी से बात कह देता है तो उसे हाईकमान द्वारा फोन से हड़काया जाता और 5 मिनट के बाद पार्टी से 6 साल के लिए बाहर कर दिया जाता है। ऐसा लगता है कि उन्हें वेतन दे रही थी पार्टी। आए सुने क्या कहा लोगों ने। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट उत्तर प्रदेश ब्यूरो संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। लेकिन यहाँ के वर्तमान चेयर से जो है आपके चेयरमैन से जरूर विरोध है क्योंकि वो हम लोगों को न सम्मान देते हैं। जब भी बैकवर्ड सीट आती है अगर तुम हंस के कहते कि अगर किसी भी बैकवर्ड भाई को मिलेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे तो आज हम तुम्हारा सपोर्ट करते। बैकवर्ड सीट पे आपने रिटायर की, आखिर जब तुम बैकवर्ड समाज के लिए नहीं हो, एससी समाज के लिए नहीं हो, अन्य समाज के लिए नहीं हो तो हम भी आपके साथ। आगे बढ़ाते हुए हमें लेकिन ये ठाणी नगर निकाय का चुनाव है और न कहते हुए मुझे कहना पड़ता है कि हमारी माननीय लोकप्रिय विधायिका जिनको कहते हो उन्होंने इस नगर में भारतीय जनता पार्टी को एक जाति वर्ग विशेष में गिरी करके रखा हुआ है। ब्राह्मण क्षत्रिय मौर हरिजन सभी भाई है हमारे और सबकी ताकत हिंदू समाज की ताकत भारतीय जनता पार्टी की पूंजी हुआ करती है। उस पूंजी को समाप्त करने का काम किया है और एक जाति वर्ग के समाज के बीच में जो गिरवी रखने का काम किया है। बंधु एक बार समय आया था, मैंने शंख बजा करके आगाज किया था लेकिन लोग नहीं जीत पाए, नहीं जीत पाए। अब मिला है हिंदू परिषद को गदा और उस गदे के माध्यम से हम एक एक हिंदू समाज के भाई को जगाने का काम करेंगे। अब गदा हमारे हाथ में है और सभी को जागना ही पड़ेगा। हम भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रवादी ताकतों को एक किसी समाज में एक किसी व्यक्ति में गिरवी नहीं होने देंगे। निश्चित रूप से सबक सिखा के रखेंगे और अपनी बहन शोभा अग्रवाल जिनको हम गदे के चुनाव चिन्ह में विजयी बनाते हुए सभी जाति सभी वर्ग और सभी समाज के लोगों को समाज में अपना सम्मान दिलाने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय भारत।